सड़कें तो बननी चाहिए, सड़कें तो बननी चाहिए। इतनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, क्या फायदा बच्चों का? कलश यात्रा, कलश यात्रा की बच्चों ने हैं, इतनी मेहनत की, बच्चों ने 2 महीने से परेशान हो रहे हैं और आज ये देखो कितने कीचड़ में निकल के आए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है तो कलश यात्रा, लेकिन यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता जो है कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, क्योंकि जो पटेल नगर से और जो राजस्थान कॉलोनी के बीच से होती हुई जो सड़क जाती है आनंद पर्वत और बलजीत नगर को, उस सड़क की इतनी खस्ता हालत है और कई महीनों से लगातार ये उस परेशानी को झेल रहे हैं। वही दर्द, वही दर्द यहाँ पर दिख रहा है। रोडों में गिरते हैं, रिक्शों में गिरते हैं और कीचड़ में गिर जाते हैं। कुछ नेता नहीं यहाँ के, यहाँ के नेता नहीं है, यहाँ के अंगूठे छाप और नोट कमाने वाले हैं, सब नेता बन बन के बैठ के। ये चाहते हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, मरते हैं, हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा टूटी रहती है, परेशानी हो रही है। हमारे को मेहनत 35 साल हो गए, 35 साल हो गए शादी में, तो ऐसे रोड देखा है, 35 साल शादी हो गए रोड मैंने ऐसे देखा है। ये पहली यात्रा है हमारे क्षेत्र से राजस्थान कॉलोनी और बाप फरीदपुरी की तरफ से, और हमारी यही एक परमात्मा से और यहाँ के नेताओं से यही उम्मीद है कि ये कलश यात्रा इसीलिए निकाली गई है, ये रोड का समाधान हो जाए। पटेल नगर विधानसभा के अंदर हर वर्ष श्री बाबा रामदेव जी की यात्राएं, कलश यात्राएं और भी यात्राएं, उनके प्रोग्राम होते जागरण, पर वो तो हमने करा, पर इस बार हमने सोचा कुछ नया करने का, तो श्रीमद् भागवत कथा प्रथम भागवत सामूहिक बात प्रथम भागवत कथा होने जा रही है। और इन सभी माताओं बहनों की बहुत इन माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है मंदी, और क्या नाम है, सभी महिलाएं संगीत के साथ नाचती गाती चल रही हैं और सबका मनोबल बढ़ रहा है। आज का कार्यक्रम 8 तारीख को आज सामूहिक राजस्थान कॉलोनी में बाबा फरीदपुरी के सौजन्य से आज भगवत गाथा 1 हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा है, और उसके उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा का आयोजन राजस्थान कॉलोनी से लेके पूरे पटेल नगर के अंदर प्रोग्राम हमारा चल रहा है। सैकड़ों की संख्या के अंदर हमारी माताएं बहनें कलश यात्रा निकाल रही है और सनातन की बड़ी जय जयकार, बड़ा अच्छा भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे, कथा का आनंद ले। जय राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, और आप सभी को बहुत खुशी होगी कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला है। पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, सुहागिन महिलाएं जो है कलश यात्रा में भाग ले रही हैं, आप पीछे देख सकते हैं हमारे, और जो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हैं मिस्टर मंगल सेन यहाँ पर जुड़े हुए और संस्था के मुख्य पदाधिकारी यहाँ पर हैं, किशन कुमार जी, कैलाश जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी युवा बच्चे बहुत भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो किशन जी आपका स्वागत है, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है जैसे आज शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा और किन के मुख के द्वारा इस कथा का वाचन होगा, कौन लोग यहाँ आ रहे हैं और क्या समय रहेगा अगर दर्शक वहाँ आकर के कथा का वाचन करना चाहें तो कैसे होगा? तो पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। दूसरा, पटेल नगर विधानसभा के अंदर हर वर्ष श्री बाबा रामदेव जी की यात्राएं, कलश यात्राएं और भी यात्राएं, उनके प्रोग्राम होते जागरण, पर वो तो हमने करा, पर इस बार हमने सोचा कुछ नया करने का, तो श्रीमद् भागवत कथा प्रथम भागवत सामूहिक बात प्रथम भागवत कथा होने जा रही है। अच्छा। तो शिव मंदिर राजस्थान कॉलोनी, तो इसका आज से जो कलश यात्रा है और आज से क्या नाम अपनी ये यात्रा होने के बाद कथा चालू हो जाएगी, तो 7 दिन प्रोग्राम चलेगा मंदिर के अंदर, उसका टाइमिंग होगा सुबेरे 12:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक समापन होगा उसका, दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे तक। हाँ जी, तो हमें यही खुशी है कि हमारी जो हमने जो ये प्रोग्राम रखा है अच्छी तरह से संपन्न हो और बहुत लोग आए, हम सभी को कहते हैं कि सभी लोग आए उसके अंदर, सभी लोग मिलके कर रहे हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोग राजस्थान कॉलोनी बाबा फरीदपुरी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि अपना कीमती समय निकाल के जरूर एक बार भागवत कथा में। जी जी जरूर जी, मंगल सिंह जी बहुत स्वागत है आज, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों ने मेरे को बुलाया और इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और हर वर्ष आज ही की तरह हर वर्ष ये कार्यक्रम हो, और आज 8 तारीख है, आज से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 14 तारीख को इसका समापन है, और मेरी इन सभी के 15 तारीख का भंडारा, और इन सभी माताओं बहनों की बहुत बहुत इन माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है मंदी,
और क्या नाम है, सभी महिलाएं संगीत के साथ नाचती गाती चल रही हैं और सबका मनोबल बढ़ रहा है और जो भी देखता है वो यही कहेंगे हम भी ये कार्यक्रम गए इन सब इसी इन शब्दों के साथ ना धन्यवाद। आज का कार्यक्रम 8 तारीख को आज सामूहिक राजस्थान कॉलोनी बाबा फीतपुरी के सौजन्य से आज भगवंत गाथा एक हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा है और उसके उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा का आयोजन राजस्थान कॉलोनी से लेके पूरे पटेल नगर के अंदर प्रोग्राम हमारा चल रहा है। सैकड़ों की संख्या के अंदर हमारी माताएं बहनें कलश यात्रा निकाल रही हैं और सभी लोगों का साथ है। हमारे किशन जी हैं, कैलाश जी हैं, माताएं बहनें सभी का सहयोग है और पूरी बस्ती माता का सहयोग है। हम चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता चले जाए और मैं सभी लोगों का सभी बहनों माताओं का दिल की गहराई और स्वागत करता हूँ। भाई मंगल सिंह जी हमारे बीच में आए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी माताओं बहनों की जय जयकार, बोल बाबा रामदेव महाराज की। आप लोग क्षेत्र के मुख्य लोग हैं और क्षेत्रवासी काफी निर्भर करते हैं और सभी महिलाएं यहाँ पर एक ही बात जो आपके यहाँ की जो मुख्य सड़क है उसको लेकर के बहुत परेशान हैं। मुख्य सड़क लेके काफी समय मेयर को पीछे एमएलए जो निगम पारित सबको कह दिया लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये कोई काम करके राजी नहीं है। बड़ी दिक्कत हुई, देखो सब माता बहनों कैसे पैरों में सबके बहुत बुरा हाल है, कोई नहीं कर रहा काम फिलहाल तो। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम कराएं और ये रास्ता बिल्कुल ठीक कर दें, ठीक है जी। और ये दरअसल क्या आज राजनीति की बात ना करके मैं सामाजिक और धार्मिक की बात ही करूंगा, ये अगला विषय रहेगा अपना। लेकिन आज मैं कहता हूँ सभी लोग आए इस कार्यक्रम में और बढ़ चढ़ कर सरिया सभी माताओं बहनों का सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कथा वाचन करने के लिए आ रहे हैं, जो कथा वाचन करने के वृंदावन से हमारे पंडित जी आए हैं, ये हमारे पंडित जी साथ हमारे एक बार आपको कुछ कहना चाहेंगे। आज वृंदावन से धाम से पधारे हुए से भी बोलना चाहेंगे पंडित श्री रविकांत शास्त्री जी आपके बीच में है और आज का ये भव्य प्रोग्राम आप पूरी समाज के साथ जो हो रहा है ये बड़ा ही प्रशंसनीय है। और भाइयों ने जो बताया है कि ये प्रोग्राम आज की भांति हर साल किया जाएगा और बड़े बढ़ चढ़ के किया जाएगा तो सनातन की बड़ी जय जयकार, बड़ा अच्छा भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे, कथा का आनंद ले। जय राधे, जय श्री कृष्ण। दूर जाने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमने इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया पर यहाँ की सड़कें नहीं ठीक हुई। किस चीज का न्यूज है बताओ? न्यूज का मतलब ना, इनको न्यूज वालों को बोलना चाहिए ना, सबसे सड़कें तो बननी चाहिए। इतनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, क्या फायदा बच्चों का? कलश यात्रा किए बच्चों ने, इतनी मेहनत किए बच्चों ने, 2 महीने से परेशान हो रहे हैं और आज ये देखो कितने कीचड़ में निकल के आए। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि पटेल नगर विधानसभा के राजस्थान कॉलोनी बाबा फरीदपुरी के क्षेत्रवासी हैं। कलश यात्रा में यहाँ पे सभी सुहागिन महिलाएं सैकड़ों की संख्या में हैं और ये कलश यात्रा निकल रही है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान कॉलोनी के ठीक सामने जो भगवान शिव का मंदिर है उसके अंदर ये कथा का आयोजन होना है तो ये सब यहाँ इनसे जानेंगे कि ये कथा कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, ये किसके मुख से जो है इस कथा का वाचन होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है तो कलश यात्रा लेकिन यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता जो है कितनी दुखी है, कितनी परेशान है क्योंकि जो पटेल नगर से और जो राजस्थान कॉलोनी के बीच से होती हुई जो सड़क जाती है आनंद पर्वत और बलजीत नगर को, उस सड़क की इतनी खस्ता हालत है और कई महीनों से लगातार ये उस परेशानी को झेल रहे हैं। वही दर्द ये कलश यात्रा नहीं है, ये रोड यात्रा है। रोडों में गिरते हैं, रिक्शों में गिरते हैं और कीचड़ में गिर जाते हैं। कुछ नेता नहीं है यहाँ के, नेता नहीं है यहाँ के, अंगूठे छाप और नोट कमाने वाले सब नेता बन बन के बैठ के कोई नेता काम करने वाला नहीं है। कुछ नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, मरते हैं, हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा टूटी रहती है परेशानी। हमारे को मेहनत 35 साल हो गए शादी में, तो ऐसे रोड देखा है 35 साल शादी हो गए, रोड मैंने ऐसे देखा कभी, रोड सुधरता ही नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। भागवत और कलश यात्रा के माध्यम से भगवान नेता कोई अच्छा नहीं आ सकता यहाँ पे, कोई अच्छे लोग नहीं रह सकते, इतना गंद हो रहा है यहाँ पे। नेताओं को बुद्धि नहीं आने वाली, ये पास रख रहे हैं भागवत गीता रख रहे हैं, हम सबको बुद्धि दे सब भगवान सब पर रहे। ये पहली यात्रा है हमारे क्षेत्र से राजस्थान कॉलोनी और बाबा फरीदपुरी की तरफ से और हमारी यही एक परमात्मा से और यहाँ के नेताओं से यही उम्मीद है कि ये कलश यात्रा
इसीलिए निकाली गई है, ये रोड का समाधान हो जाए, क्योंकि आज बहुत बुरा हाल था रोड को लेकर, निकलना बहुत ज्यादा भारी था और जब से उससे भी ज्यादा दिक्कत हो रही थी बारिश से, बारिश ने हमारा सारा काम ठप कर दिया। दो दिन बारिश लगातार हुई है, उससे रोड और सारा मिट्टी हो गया है, हमारे जो लेडीज है फिसलने से बची हुई है, ये यात्रा हमारी वो आगे परमात्मा देखे। आपका शुभ नाम परिचय? मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं इन लड़कों के बीच का ये छोटा मोटा जो काम है होता रहता है हमारे बीच में मिलके, हम और आप मिलके ही करवाते हैं, तो लेकिन जब भी हम ये काम करवाते हैं हमें बड़ी मुसीबत होती है। एक तो ये रोड इतना खतरनाक है कि हम वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं। ये मैंने एक बार राजकुमार आनंद को भी बोला था कि आप जिस धरती पर खड़े हो उस धरती के नीचे तो देख लो क्या हालत हो रही है। हाँ, इन लोगों को पता है जीतने के बाद इन लोगों ने अपने 5 साल में अपनी जेब भरनी है और निकल जाना है। हम जैसे नरक में पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं। आगे से हमने है ना आगे से सोचा है कि वोट देने का हिसाब किताब आके अब की बात नहीं रखेंगे, वोट ही नहीं, कोई भी वोट मांगने आएगा हम वोट नहीं देंगे, फरीदपुरी राजस्थान कॉलोनी से कोई भी वोट नहीं देगा अपनी बात। मैं तो रोड के लिए कहूँगा जी, रोड के लिए बस समाधान हो जाए और हमारे फरीदपुरी का उद्धार हो जाए। हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में हमें कोई बाधा ना आए।
मकान कॉलोनी में श्रीमद भगवत कथा का एक हफ्ता का ज्ञान यज्ञ समारोह रखा गया है, जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। जय बाबारी, जय राम सपीर, जय हो रुणीचा के शाम की। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज के इस कलश यात्रा को लेकर, श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।